अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में मोहम्मद इकबाल आपको खुश आमदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, आपके तमाम परिंदे ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज 7 सितंबर और सुबह का फर्स्ट टाइम है। तो अभी जैसे तितर की मैंने चोली उतारी है, तो ये तितर मेरा स्टार्ट हो गया, बोलना स्टार्ट हो गया। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उन जो तितरों के शौकीन हजरात हैं, उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ। उन भाइयों से मेरी गुजारिश है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊँ आप दोस्तों तक पहुँच सके। तो दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का मकसद आप दोस्तों को शौक कराना है। ये मेरे काले तितर का शौक करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि तितर मेरे दोस्तों को कैसा लगा है। तो दोस्तों, आगे ये केज है, इसका बड़ा केज है जिसमें इसको दोपहर को खोलता हूँ। ये थोड़ा मिट्टी के साथ एंजॉय करता है। तो अभी फर्स्ट टाइम है इसको, अभी इससे ज़्यादा केज में नहीं निकाला, फर्स्ट टाइम है। तकरीबन को 12 बजे इसको मैं केज में निकालता हूँ, तो इसमें एंजॉय करता है। तो दोस्तों, मेरे तितर का शौक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरे तितर दोस्तों को कैसा लगा है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता रहा था, ये तितर मेरा काला जो जिसको मैंने अभी अवार्ड दिया है बेस्ट तितर का, तो यूट्यूब पे ये मैंने बेस्ट तितरों के साथ, 3 तितरों के साथ रखा हुआ है दोस्तों। और वो टॉप क्लास की इसकी आवाज़ है। तो 3 तितरों के साथ इसने मुकाबला किया है, 2 तितरों के साथ इसको रखा था, यानी कि 3 हो गए, 3 में ये नंबर 1 आया है। तो यूट्यूब पे जाके वो मेरे मोहम्मद इकबाल के नाम की आईडी आप दोस्त चेक कर सकते हो, को उधर कितनी बोलियाँ मारता है। ये वीडियो सिर्फ आप दोस्तों के लिए बना रहा हूँ, आप दोस्त शो करें। तो दोस्तों, आगे मैं आपको ले चलता हूँ एक और जगह पे, जहाँ मैंने फिशरों का सेटअप रखा हुआ है। आज फिशरों को डाला है मैंने मकई का दाना, तो मेरे साथ रहना, मैं आपको ले चलता हूँ फिशरों का सेटअप पे। दोस्तों, ये मेरे फिशर तोते, तो आज इनको मैंने ये मकई का दाना डाला हुआ है, और मकई के ये दाना हुए तकरीबन पूरी छली डाली हुई दोस्तों। तो ये अभी 3 ब्रीडर जोड़े हैं, अभी ये मस्ती में, फुल मस्ती में क्रॉस कर रहे हैं मादियों को। अभी ये इसका मौसम है ये अंडों का, तो अभी तक ये अंडे इन्होंने नहीं दिए, ये फुल मस्ती में है। तो इनको ये छली डाली हुई है दोस्तों, मैंने आधी आधी करके डाली हुई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये अभी फुल मस्ती में है। अभी इन्होंने मुझे देखा है कि ये उतर गए, पहले दाना खा रहे थे। तो जो कोई बंदा इनके नज़दीक आए तो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इस वजह से दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ इनके नज़दीक ना आऊँ, क्योंकि अभी ये क्रॉस कर रहे हैं मादियों को, बंदा नज़दीक आए तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको एक और जगह पर ले चलता हूँ, मेरे साथ रहना है, जहाँ मैंने वो बजरियों का जोड़ा रखा हुआ है, रिडाइज मादी है और बजरी नर है। तो वो अभी मादी अभी अंडे देने वाली है, अभी फुल मस्ती में है। तो उसको भी मैंने दोस्तों ये सामने रखा हुआ है केज में, ये मादी है दोस्तों, ये बजरी मादी है रिडाइज, तो अभी फुल मस्ती में है, नर इसको क्रॉस कर रहा है। तो अभी ये इनको भी मैंने ये छली छली डाली हुई है दोस्तों, ये कच्ची छली है और ये जो बड़े शौक से खाते हैं। तो अभी इनका वो 200 क्रॉस चल रहा है दूसरा ब्रीडिंग के लिए, तभी अंडे इन्होंने नहीं दिए। ये एक ही जोड़ा बजरियों का मैंने दोस्तों रखा हुआ है, तो ये एक ही मटकी इसमें लटकाई हुई है। तो अभी तक ये मादी को क्रॉस कर रहा है, मगर मादी ने अंडे नहीं दिए। तो दोस्तों, ये जो मेरे फिशर हैं आप देख सकते हो, ये फिशर दोस्तों, आगे इनको ये छलियाँ डाली हुई हैं मैंने, और छलियाँ ये बड़े शौक से खाते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो छलियों की इन्होंने क्या हालत की है, और बहुत शाना और बहुत चालाक परिंदा है दोस्तों ये।
ये दोस्तों मेरा ब्रीडर जोड़ा है, इसने मेरे पास भी पहले दो तीन मरतबा ब्रीड की है, तो ये ब्रीडर जोड़ा है। आगे ये दो, इनमें दो इसके इनके पट्ठे हैं, और जो है एक जोड़ा बड़ा है, ये भी ब्रीडर है। तो दोस्तों इन्होंने मेरे पास पहले फर्स्ट ब्रीड की हुई है, मगर जो पट्ठे हैं उन्होंने पट्ठों ने ब्रीड नहीं की हुई, अभी फर्स्ट ब्रीड करेंगे पट्ठे मेरे। तो बड़ा जोड़ा जो है उन्होंने भी दो मरतबा ब्रीड की हुई है। तो अभी इनको मैंने शलियाँ डाली हुई हैं, शलियाँ बड़े शौक से खा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक और जगह पर ले चलता हूँ, जहाँ मैंने वो काठे तोते रखे हैं, तो मेरे साथ साथ रहना है। इसके साथ साथ आपको काठे तोतों का भी शौक कराता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे काठे तोते, आगे ये नर जा रहा मटकी के अंदर। दोस्तों ये मादी इसके साथ बड़ी लड़ रही है, मादी अभी फुल मस्ती में है। तो कुरीद इनकी जैसे ही ख़त्म हुई है कि मादी फुल मस्ती में नर के साथ लड़ रही है, नर को नज़दीक नहीं आने दे रही। तो नर अभी मटकी में जाने की कोशिश कर रहा है, मगर मादी इसके साथ लड़ रही है और मादी खुद मटकी में जाके घुस जाती है। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हो, आपके सामने ही है। तो अभी इनका सीज़न आने वाला है अंडों का, तो नवंबर महीने से लेकर ये सातवें महीने तक इनके स्टार्टिंग हो जाती है, अंडों का सीज़न शुरू हो जाता है। तो अभी दोस्तों इनका अभी सीज़न नहीं है, अभी इनका क्रॉसिंग का सीज़न है। तो अभी ये कुरीद जैसे झाड़ के अभी फारिग हुए हैं, तो इनकी जो है अभी फुल सीज़न आ रहा है, यानी कि अंडों का। तो मादी अभी कोशिश कर रही है मटकी में बार बार जाने की, नर को नज़दीक नहीं आ रही, आने दे रही, वो खुद मटकी के अंदर घुस रही है और नर को उधर से भगा रही है। तो ये दोस्तों मटकी के अंदर जाने की कोशिश कर रही है, अभी ये घर बना रही है। तो मैं आपको ले चलता हूँ एक जगह पे, इन्होंने और जगह पे भी खुडा बनाया। दोस्तों मेरे साथ रहना है, मैं आपको दिखाता हूँ एक जगह पे इन्होंने और जगह पे खुडा बनाया। तो ये कोना है दोस्तों, ये कोना है इन्होंने, यानी कि इधर खुडे बनाने की इन्होंने पूरी कोशिश की है, ज़मीन को खोदने की। ये आप देख रहे हो केज के अंदर ही है, सीढ़ियों के नीचे। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों इसको खुडे को बनाने की, मगर ये खुडा अभी तक इनका मुकम्मल नहीं हुआ। तो फिर मैं आपको ले चलता हूँ उधर ही। अभी नर उधर मटकी में घुसने की पूरी कोशिश कर रहा है, मगर मादी इसको घुसने नहीं दे रही। मादी खुद अंदर जा रही है मटकी में, बार बार आ रही है जा रही है, घर बना रही है। क्योंकि जो दोस्तों उन्होंने अंडे इधर मटकी में देनी है, जैसे मेरी फर्स्ट ब्रीड हुई थी इस मटकी के अंदर ही हुई थी। तो अब ये दोबारा इसका सीज़न आने वाला है, तो अब ये घर बना रही मटकी के अंदर, ये इनकी पूरी कोशिश है, बार बार आ रही मटकी के अंदर, बार बार जा रही, नर के साथ लड़ रही। तो अभी किस टाइम नर के साथ ये क्रॉस करने की कोशिश करता है, मगर नर अभी इसका मूड में नहीं है, नर क्रॉस नहीं कर रहा। तो मादी बार बार आकर नर के सामने बैठ जाती है, यानी क्रॉस करने में मूड में है। तो कुरीद इनके अभी जड़ चुकी है, पर भी इनके जड़ चुके हैं। तो अब ये फुल मस्ती में दोस्तों, दो महीने के बाद इंशाल्लाह ये अंडे दे देंगे। अभी ये जो घर बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है, बार बार जो मटकी के अंदर आ रही जा रही है, घर बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। तो दोस्तों मज़ीद वीडियो देखनी है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करें, ताकि आने वाली नवी वीडियो आप दोस्तों तक पहुँच सके। तो दोस्तों तब तक दें आप मोहम्मद इकबाल को इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान।